अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फरीद, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टिंगडार से। और हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश। टॉपिक है द लिटिल गर्ल, और इसका हमने कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 84 से शुरू करेंगे। वेल किजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। अच्छा किजिया, जल्दी करो और जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह ही रही हो। आई डिड डोंट नो फादर। You don't know if you stutter like that, nothing will have to take. Mother will have to take you to the doctor. मुझे पता नहीं अबू, तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इसी तरह हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. वो दूसरे लोगों के साथ बात करती हुई कभी नहीं हकलाती थी, तकरीबन ऐसा करना छोड़ चुकी थी, लेकिन अपने वालिद के साथ बात करती हुई हकलाती थी, क्योंकि उस वक्त वो लफ्ज़ों को सही ढंग से बोलने की बहुत मुश्किल कोशिश कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिस्ट अबाउट। हेयर किजिया, कैरी माई टी कप बैग टू द टेबल केयरफुली। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। ये लो कीजिया, मेरा चाय का प्याला, ध्यान से वापस मेज़ पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, थिंकिंग अबाउट हिम एलान was like thinking about a gint. वो इतने बड़े जिस्म वाला था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, ख़ास तौर पर उसका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो जमाई लेता था। उसके बारे में सिर्फ सोचना ही किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. हर इतवार के तीसरे पहर दादी उसे नीचे बैठक में भेजती ताकि वो अब्बू और अम्मी के साथ दिलचस्पी भरी बातचीत कर सके, लेकिन नानी लड़की हमेशा देखती कि अम्मी तो अखबार पढ़ रही कि अम्मी तो पढ़ रही होती और अब्बू सोफे पर लेटा हुआ होता, रुमाल मुंह पर रखे हुए और बहुत ही बढ़िया गद्दों में से एक के ऊपर पैर टिकाए हुए, गहरी नींद सोए हुए और खराटे लेते हुए। शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड and asked the time.
देन लुक्ड एट हर। वो स्टूल पर बैठ जाती, संजीदगी से उसकी तरफ देखती जब तक कि वो जाग न जाता, और इंगड़ाई लेते हुए वक्त पूछता और फिर उसकी तरफ देखता। तो आज हमारा ये पेज नंबर 84 कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।